बा अदब होशियार शाने नाजे मुगले शेरे मुगले पधार तशरीफ रखिए। क्या हम जान सकते हैं कि जब हम पूरे आए हैं तो हमारे आने का ऐलान आपने आधा क्यों किया? जहां पना पिछले 2 महीने से हमें आधा वेतन मिल रहा है, अब जब पेट आधा भरेगा तो ऐलान भी तो आधा ही होगा ना। ज्यादा सुनाने की जरूरत नहीं है हमें, आपको भी वेतन आधा मिला है तो आप क्या आज हमें आधी हवा देंगे, बाकी की आधी खा जाएंगे? जानबूझ के आधा वेतन नहीं दे रहे हैं आप लोगों को। भारी बारिश और बाढ़ की वजह से सारी की फसल बर्बाद हो गई, राज्य का व्यापार बंद हो गया है। इस बाढ़ की वजह से हमारा शाही खजाना खाली हो गया है, खाली, पूरी तरह खाली हो गया है, फिर भी हमें आधा वेतन दे रहे हैं आप लोगों को। देना तो कुछ भी नहीं चाहिए, खजाने में तो कुछ है ही नहीं, फिर भी मिल रहा है ना। अब्बा हुजूर, यूं तो शाही खून है हम, लेकिन तब भी हमारे फौलादी दिमाग में एक सवाल आ रहा है कि इतने कड़े पहरे के बावजूद कोई बाढ़ कैसे बचकर खजाने तक पहुंच सकती है? चलो माना पहुंची, लेकिन खजाना खाली कैसे कर सकती है? मुझे पता है, बाढ़ ने शाही खजाने तक पहुंचने के लिए सुरंग बनाई होगी। दिमाग खामोश खरगोश। हमें इस बात का दुख नहीं है कि हमारा शाही खजाना खाली हो गया है, दुख इस बात का है कि आप दोनों का दिमाग खाली रह गया है। जहां पना आप फिक्र मत कीजिए, हमारे कर मंत्री बंगाल की रियासत से कर वसूल करके आते ही होंगे, जिससे शाही खजाने को थोड़ी बहुत राहत मिल जाएगी। बलदेव, उनके बारे में तो हम भूल ही गए, कहां है हमारे कर मंत्री? बस आ ही गए, आइए आइए। आइए आइए आइए, हमारे कर मंत्री करकर सिंह जी आइए, बंगाल से कर वसूल करके आ रहे हैं आप। इतना सारा धन एक साथ देखे हुए अरसा हो गया हमें, खोलिए और दिखाइए। ये क्या मजाक है कर मंत्री जी, ये भूसा क्या लेकर आए हैं आप? गुस्ताखी माफ हुजूर, आपका कर मंत्री हूं और वही करता हूं जो करना चाहिए। इससे पहले कि हमारे सैनिक बंगाल के दीवान के पास कर लेने के लिए पहुंचते, उससे पहले ही कुछ लोग नकली सैनिक बनकर शाही फरमान पर आपके दस्तखत की हूबहू नकल दिखाकर कर लेकर भाग गए। ये क्या कह रहे हैं आप कर मंत्री जी, कौन थे ये लोग, आपने उनको पकड़ने की कोशिश क्यों नहीं की? और वो हमारा कर लेकर भाग गए तो भाग गए आप, या भूसा क्यों लेकर आए हैं यहाँ पर हमारा मजाक उड़ाने के लिए? हुजूर, कर मंत्री हूँ इसलिए वही करता हूँ जो करना चाहिए। इसलिए पहले आपको बक्सा दिखाया, फिर वो भूसा दिखाया, फिर वो बुरी खबर सुनाकर आपको सदमे के लिए तैयार करना, यही मेरा मकसद है हुजूर। कर सिंह जी, कर वसूली का जो शाही फरमान होता है, जिस पर जहां पना के दस्तखत होते हैं, वो तो आप बनाते हैं, आप लिखते हैं, फिर वो आपके पास से उन कर चोरों के पास गया कैसे? हुजूर, कर मंत्री हूं इसलिए वही करता हूं जो करना चाहिए। पिछले 10 सालों से हुजूर का वफादार हूं, मुझे लगता है हुजूर उन चोरों ने जरूर उस शाही फरमान की नकल भी तैयार की होगी। तब जरूर कर वसूल करने वाले सैनिकों में से कोई चोर से मिला होगा। हुजूर, मैं कर मंत्री हूँ इसलिए वही करता हूँ जो कि करना चाहिए। हमारे सारे सैनिक मेरे भरोसेमंद हैं, उनमें से कोई भी ऐसी हरकत नहीं कर सकता। मुझे लगता है चोर जरूर कोई और ही होगा। चोर जो भी है उसे जल्द से जल्द पकड़िए, शाही खजाना तो पहले से ही खाली हो चुका है।
इस बंगाल के कर का ही सहारा था, अब खर्चा कैसे चलेगा? चलिए अब हमें भी जरा आराम की जरूरत है। हमारे आने का तो आपने आधा ऐलान किया था, अब हम जा रहे हैं तो उसका भी आधा ऐलान कर दीजिए या करेंगे ही नहीं। जहां पना अभी तक तो आधा वेतन ही मिला करता था, लेकिन इस कर चोरी के वाकये के बाद तो उसकी उम्मीद भी खत्म हो चुकी है। अब जब आधा पेट भी नहीं भर पाएगा तो आधा ऐलान भी कैसे होगा जहां पना? जहां पना, पेट भले ही खाली है जहां पना, लेकिन ये दिल आपकी रहमतों से भरा हुआ है। आज मैं अपने पेट से नहीं, अपने दिल से आपका ऐलान करूंगा जहां पना। बा अदब, बा मुलाहिजा, होशियार, शाने हिंदुस्तान, नूरे चमन, हर दिल अजीज मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर तशरीफ ले जा रहे हैं, पधार रहे हैं, कुछ निकाल रहे हैं, निकाल रहे हैं या खुजा रहे हैं, कुछ निकाल रहे हैं, दे रहे हैं सोने की मुद्रा, सोने की मुद्रा, सोने की मुद्रा, सोने की मुद्रा, देख 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 सोने की मुद्रा, सोने की, ए, ए, मेरी सोने की मुद्रा, हटो हटो। हुजूर, ये क्या कर रहे हो? हम कब से मालिश करवाने का इंतजार कर रहे थे और तुम यहाँ की इस आदमी के हजामत बना रहे हो? हुजूर माफ कीजिएगा, दरअसल क्या है ना, पहले महल से जो तो आधी तनख्वाह मिलती थी ना हुजूर, अब वो भी बंद हो जाएगी हुजूर। अब हुजूर बी बच्चों का तो पेट भरना है ना हुजूर, इसलिए हमने यहाँ दुकान खोल ली हुजूर, उस तरह खोल के। हाँ तो हमारे मालिश का क्या होगा? अरे हुजूर करेंगे ना, आपकी मालिश जरूर करेंगे, क्यों नहीं करेंगे बोला हुजूर, लेकिन थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। दरअसल हुजूर धंधे का एक उसूल है कि पहले नकद के ग्राहकों को निपटाना चाहिए, अब आप तो उधार में करवाएंगे ना सेवा हुजूर, उस तरह खोल के। हम तुम्हारा इंतजार कर, ये कभी नहीं हो सकता। देख लूंगा तुझे, देख लूंगा ये पहरेदार कहां गए, ये पहरेदार गए कहां? हुजूर उनमें से एक पहरेदार हकीम के यहाँ पुड़िया बांध रहा है और दूसरा दर्जी के यहाँ नौकरी कर रहा है हुजूर, उस तरह खोल के हुजूर। देख लूंगा, तुम सबको देख लूंगा, देख लूंगा। ये है हम, ये रानी साहिबा और ये सलीम। क्या कर रहे हैं आप बलदेव, जरा ठीक से इस्त्री कीजिए ना, ये हमारी बहुत ही बेशकीमती पोशाक है, इसका एक एक रेशा बड़ा नाजुक है। जी 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 जापना। अरे क्या आप चला देंगे आप इसे? जापना। ये जरी आपको दिखाई दे रही है असली सोने की बनी हुई है, खराब मत कीजिएगा। जापना रहम कीजिए, कोई देखेगा तो क्या कहेगा कि हिंदुस्तान का वजीर आजम कपड़ा इस्त्री कर रहा है। तो हम क्या करें, वेतन ना मिलने की वजह से हमारे सारे दास दासी हमारा काम छोड़कर चले गए, तो अब क्या हम बादशाह सलामत खुद अपने कपड़े इस्त्री करेंगे? एक तो कर की चोरी करने वालों को आप पकड़ नहीं पाए, इसको सजा समझ के कर लीजिए, सजा है ये आपकी, कीजिए। क्षमा कीजिए जापना, जिन लोगों ने नकली सैनिक बनकर कर चोरी की है उनका हुलिया हमने पूरे मुल्क में ऐलान करवा दिया है। साथ साथ में करते रहिए, करते रहिए, कर रहे हैं। जैसे उनकी पहचान हो जाएगी हम उन्हें पकड़ लेंगे। अल्लाह के नाम पे दे दे बुआबा, भगवान के नाम पे दे दे बुआबा, चलो चलो, अल्लाह के नाम पे दे दे बुआबा, भगवान के नाम पे दे दे बूबू, फूफू। जान सकते कि आप दोनों ये क्या कर रहे हैं? मुझे पता है, अब फूफू की हालत भिखारियों जैसी हो गई है, अभी हमें क्या भीख देंगे? खामोश खरगोश। आश रानी साहिबा मैं कहना गई होती,
तो उनके सारे जेवर गिरवी रखकर हम अपने शाही खजाने को थोड़ा तो बढ़ा लेते। जापना, जापना गड़बड़ हो गई। हमारे कर मंत्री करकर सिंह कुछ सैनिकों के साथ गढ़वाल के राज्य में कर वसूली के लिए गए थे, पर उनके पहुंचने से पहले वो कर चोर फिर एक बार वहां पहुंच गए और कर की चोरी कर। ये क्या कह रहे हैं आप बीरबल, फिर से चोरी? कुछ कीजिए बीरबल, कुछ कीजिए, वरना मुगलिया सल्तनत बर्बाद हो जाएगी। अब्बा हुजूर, अभी भी मौका है, एक कटोरा लेके हमारे साथ चलिए। जहांपना, हमें तो कर मंत्री पर ही शक हो रहा है, क्योंकि शाही फरमान उसी के पास हो और उसे ही पता होता कि किस तारीख को हमारे सैनिक कर वसूलने जाएंगे। ये नामुमकिन काम और कोई नहीं कर सकता उसके सिवा। नहीं जापन, हमें ऐसा नहीं लगता कि हमारे कर मंत्री कर सिंह ये चोरी कर रहे हैं। वो बहुत ही ईमानदार आदमी, वो 10 साल से हमारे यहाँ काम कर रहे हैं। अगर उन्हें चोरी करनी होती तो 10 साल पहले कर चुके होते। अच्छा अच्छा, आप तो उन्हें यूं बेगुनाह मान रहे हैं जैसे आपको पता है कि चोर कौन है। यदि आपको उन पर इतना यकीन है तो ढूंढ कर दिखाइए कि असली चोर कौन है। ढूंढेंगे, ढूंढेंगे और आप सबके सामने पेश करेंगे। जापना, एक बात तो साबित हो चुकी है कि हमारे कर मंत्री किसी भी राज्य में कर वसूली का जो दिन जो तारीख मुकर्रर करते हैं, उन कर के चोरों को वो तारीख वो दिन पहले से ही पता होते। इसका मतलब अगले राज्य में जब हमारे कर मंत्री कर वसूली के लिए जाएंगे तो वो चोर वहां भी आएंगे। अब तो एक ही रास्ता है। क्या रास्ता है बताइए, रास्ता क्या है? जापना, जब कर मंत्री कर सिंह कर वसूली का शाही फरमान आपके पास लेकर आए तो इस बार आप एक की जगह दो दस्तखत करेंगे। दो? समझ गए हम बीरबल, सब समझ गए। अब इन चोरों को हमसे कोई नहीं बचा सकता। ये उर्वशी कहां रह गई? हमेशा देर कर देती है। अब तो नींद भी आ रही है। आप दोनों यहां और ये तलवार? क्या हुआ? कौन हो तुम? हम बीरबल है। क्यों? मुझे पता है, हमें ये शक है कि आप बीरबल नहीं हैं, आप नकली हो। अरे हम बीरबल ही हैं, ये देखिए। ऐसे नहीं, जब आप हमारे सवालों के सही जवाब देंगे तब हम मानेंगे कि आप असली बीरबल हैं। कैसे सवाल? अच्छा ये बताइए कि असली बीरबल की दाई मूंछ की लंबाई कितनी है? बीरबल की दाई मूंछ की लंबाई उतनी है जितनी उसकी बाई मूंछ की है। ओ, अच्छा, तो ये बताइए कि असली बीरबल जी की अगर दोनों आंखें बंद होंगी तो वो कैसे बताएंगे कि अभी दिन है या रात है? मुंह से, आंखें बंद होंगी तो मुंह से पूछ कर बताएंगे कि दिन है या रात है। वाह वाह बीरबल जी वाह, देखा हमने कैसे अपने सवालों से साबित कर दिया कि आप असली बीरबल हैं? आपने साबित किया। खैर छोड़िए, ये बताइए कि आप लोगों को ऐसा क्यों लगा कि हम नकली हैं? अरे बीरबल जी, हम आप पर शक थोड़ी ना कर रहे थे, हम तो आपको ये दिखाना चाहते थे कि देखिए हम कैसे असली और नकली पहचान सकते हैं। दिमाग? ऐसा क्यों? शाही खून है हम। नहीं कर रहे थे? नहीं, नहीं, हम आपको समझाते हैं कि हम ऐसा क्यों कर रहे थे। बीरबल जी, जैसे हमने अपने सवालों से साबित कर दिया कि आप असली बीरबल हैं, वैसे ही हम कर चोरी करने वाले नकली सैनिकों से सवाल करके ये साबित कर देंगे कि वो नकली हैं। तो आप अब्बा हुजूर के पास जाके हमारे मोटे डोलो वाली काबिलियत की सिफारिश करते हुए उनसे ये कहिए कि इस बार कर लेने वो हमें भेजे। हम वहां जाएंगे, उनसे सवाल करेंगे और उन्हें पहचान लेंगे। एक बात बताइए, आप दोनों ये सब पहले से सोच के आते हैं या अचानक?
आप दोनों के मन में ऐसे विचार आते अचानक, क्योंकि शाही खून है हम। दिमाग, शाही खून है हम। दिमाग मुझे पता है। जम्मू कश्मीर की रियासत से आज कर वसूल होने वाला है, देखते हैं क्या होता है। हमें तो लगता है कि बीरबल की ये दो दस्तखत वाली योजना जरूर काम करेगी। जहां बना, हमें तो लगता है कि बीरबल जी की ये योजना काम नहीं कर पाई, इसलिए वो दरबार से गायब है। हमें तो लगता है वो अपना चेहरा भी नहीं दिखा पा रहे हैं। जा बना की जय। आइए बीरबल आइए, हम आप ही का इंतजार कर रहे थे। बताइए हुआ क्या? जा बना, अब कर की कोई चिंता नहीं, क्योंकि कर चोर पकड़े गए। वाह वाह, पकड़े गए चोर। ये तो आपने बहुत ही अच्छी खबर सुनाई बीरबल। आखिर आपकी दो दस्तखत वाली योजना काम कर ही गई। वो चोर वहां पर हमारे एक दस्तखत वाला फरमान लेकर गए होंगे और पकड़े गए। नहीं जापन, चोर दो दस्तखत वाला शाही फरमान ही ले गए। ये क्या कह रहे हैं आप बीरबल? इस बार जैसे हमारी बात हुई थी, दो दस्तखत वाला फरमान ही असली फरमान था। अगर उसका एक नकली फरमान बनाकर वो लेकर भी गए जिस पर दो दस्तखत थे, तो उनको तो कर मिल जाना चाहिए था। नहीं जापना, आपका दो दस्तखत वाला शाही फरमान असली नहीं था, क्योंकि हम जानते थे कि ये जो भी चोर है वो शाही फरमान के बारे में बहुत कुछ जानता है। इसलिए अगर वो एक दस्तखत वाले शाही फरमान की नकल कर सकता है, तो आपके दो दस्तखों वाले शाही फरमान की भी नकल कर सकता है। हमने तो बस इतना किया कि जम्मू कश्मीर के दीवान को ये सूचना नहीं दी कि इस बार जो शाही फरमान आएगा उस पे दो दस्तखत होंगे। तो हमेशा की तरह हमारे सैनिकों से पहले कर चोर आपके दो दस्तखों वाले शाही फरमान को लेकर दीवान के पास पहुंचे, तो दीवान को शक हो गया कि इस बार दो दस्तखत क्यों, क्योंकि वैसे भी कर चोरी की खबर चारों ओर फैल चुकी थी। तो इसी शक के बिना पर जम्मू कश्मीर के दीवान ने कर चोरों को गिरफ्तार कर लिया। वाह बीरबल, लगता है हमारे दिए हुए बादाम खा खा कर आपकी अकलमंदी काफी बढ़ गई है। चलिए चोर पकड़े तो गए, अब हमें यह भी बता दीजिए कि ये चोर है कौन। करकर सिंह। करकर सिंह जी आप? अरे जा पना, करकर सिंह नहीं, करकर सिंह के खास नौकर। अभी पेश करता हूं। जा बना, ये रहा आपका कर चोर। ओहो, तो ये है वो। ये कौन है बीरबल? जा बना, ये करकर सिंह के खास नौकर, जो हमेशा करकर सिंह के इर्द गिर्द ही रहते हैं और दवात में स्याही भरने का काम करते हैं। तो जब भी करकर सिंह जी कर वसूली का शाही फरमान लिखते थे, तो उस पे लिखी हुई तारीख ये ध्यान से देख लिया करते थे और फिर उसी शाही फरमान की नकल आपके दस्तखत के साथ करके हमारे सैनिकों के पहुंचने से पहले पहुंचकर कर वसूल किया करते थे। जी हजूर, कर मंत्री हूं, इसलिए वही करता हूं जो कि करना चाहिए। ये मेरा ही नवा खराब नौकर है जो कि मुजरिम निकला। मुजरिम तो ये निकला करकर सिंह जी। अब ये भी बता दीजिए कि ये आदमी आपको मिला कहां? हुजूर, वो मेरी बीवी का दूर का भाई है ये। अंग
घबराइए मत, हमें आप पर उतना ही भरोसा है जितना आपको आपकी चोटियों पर है। चोटियां।